हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। आज बीएमएफ थर्ड ईयर का प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग का पेपर सेकंड था। हम आज इसके एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पेपर बहुत इजी आया था। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हो, उसको सॉल्व किया हो, तो अभी ये जो पेपर आया था वो बहुत ही ज्यादा इजी पेपर आया था। चाहे हम एमसीक्यू ले लें और चाहे बाकी का पोर्शन, सारे ही पेपर बहुत इजी आया था। चलिए अब इसके एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आचार्य सुश्रुत के मत से विप्लुता योनि व्यापद में दोष प्राधान्य है। इसका आंसर होगा ए, वात। क्वेश्चन नंबर टू, अकाले वाह मानाया किस योनि व्यापद का निदान है। इसका आंसर है सी, कर्णिनी योनि व्यापद। क्वेश्चन नंबर थ्री, गैरिकोदक सदृश रक्त किस प्रकार के अश्रय दर का लक्षण है। इसका आंसर है कफ। ये आपको शिप्रा में नहीं मिलेगा, ये आपको पीवीटी में मिलेगा। आप उसमें देखना, दिया हुआ है कि कफ, कफ में गैरिकोदक सदृश, ये सुश्रुत ने बताया है। बंध्यत्व में, क्वेश्चन नंबर फोर, बंध्यत्व में सतपुष्पा तैल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इसका आंसर सभी होगा। सतपुष्पा तैल जो है वो नस्य, अभ्यंग और वस्ति तीनों में ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, नील पुष्प वर्ण किस योनि कंद का लक्षण है। इसका आंसर है कफज, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, योन्याश होता है। इसका आंसर है शस्त्र साध्य। आप लोग कहेंगे कि बुक में तो लिखा हुआ है कि भेषज, क्षार, अग्नि और शस्त्र चारों ही साध्य बोला गया है, लेकिन जब आप पीवीटी वाली में अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि ये शस्त्र साध्य होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्तन रोग में दूष्य है। इसका आंसर होगा सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर एट, चिरोत्थान प्रपाकश किस स्तन विद्रधि के लक्षण है। इसका आंसर है सी, कफज। चित्र उत्थान वातज का है, पित्तज का है, क्षिप्र उत्थान और कफज का है चिर उत्थान। क्वेश्चन नंबर नाइन, जननांग ग्रंथि एवं अर्बुद के लिए किस प्रकार के शस्त्र कर्म को श्रेष्ठ माना गया है। इसका आंसर जाएगा छेदन, आंसर ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, अनार्तव अस्तन किस योनि व्यापद का लक्षण है। ये तो इजी था, बहुत इजी था, संडी। क्वेश्चन नंबर 11, किस योनि व्यापद में अति नर आकांक्षी लक्षण है। इसका आंसर जाएगा ए, अचरणा। क्वेश्चन नंबर 12, हारित के अनुसार रजस्वला में निषेध है। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर है क्षार कर्म। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टर्म गिवन वेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिड्यूस्ड टू 21 डेज और लेस। इसका आंसर जाएगा बी, इपीमेनोरिया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच प्रोलैप्स कैन नॉट ऑकर अलोन। इसका आंसर मुझे ऐसे कहीं भी नहीं मिला है, पर अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर यूट्राइन जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है तो उसके साथ साथ वेजाइना का भी थोड़ा बहुत प्रोलैप्स होगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट कहीं पे आपने पढ़ा हो तो ये आप कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वेजाइना इज अ फीचर ऑफ विच इन्फेक्शन। इसका आंसर जाएगा डी, ट्राइकोमोनास। क्वेश्चन नंबर 16, डेकोबिटस अल्सर आर मोर कॉमन विथ विच डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। इसका आंसर जाएगा थर्ड डिग्री, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉनिक सर्विसाइटिस रिजल्ट्स इन। इसका आंसर जाएगा डी, इरोजन। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लड लेवल ऑफ एस्ट्राडियोल इन मेनोपॉज इन वुमेन इज। इसका आंसर जाएगा ए, 0-30 पिकोग्राम पर एमएल। क्वेश्चन नंबर 19, डिटेक्शन ऑफ ट्यूबल ब्लॉक इज डन बाय। इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द एवम, डी आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सिम्टम्स ऑफ पीआईडी आर। इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द एवम, पेन, एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड फीवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में
और आयुर्वेद से रिलेटेड ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।